क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बाय फर्स्ट एक्सप्रेसिंग दिस इक्वेशन टेन थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 2 थीटा एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टेन थीटा सॉल्व द इक्वेशन फॉर दिस इंटरवल। इंटरवल इज 0 टू 90 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग टेन थीटा। फिर उस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है इन दिस इंटरवल। तो यहाँ पे फार्मूला यूज होगा टेन ए प्लस बी, टेन थीटा प्लस 45, टेन ए प्लस बी फार्मूला यूज होगा, या उसको आइडेंटिटी भी कहते हैं, इसको एक्सपेंड करना है तो ये फार्मूला यूज होगा टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी ओवर वन माइनस टेन ए टेन बी। दिस फार्मूला विल बी यूज्ड हेयर। टेन थीटा प्लस 45 को हमने एक्सपेंड करना है। टेन थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू टू कोट टू थीटा। अब ये कोट टू थीटा है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन टू थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं कोट टू थीटा को वन ओवर टेन टू थीटा। तो इन प्लेस ऑफ कॉट टू थीटा हम वन ओवर टेन टू थीटा लिख देंगे। तो सो हम इसको अब एक्सपेंड करने लगे टेन थीटा इंटू टेन थीटा प्लस टेन 45 डिग्री ओवर वन माइनस टेन थीटा टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू, राइट साइड को हम लिख सकते हैं टू इंटू वन ओवर टेन टू थीटा। तो टेन टू थीटा जो है डबल एंगल फार्मूला, ये टेन टू टू थीटा का फार्मूला होता है, टेन टू थीटा होता है टू टेन थीटा ओवर वन माइनस टेन स्केयर थीटा। अब हम टेन टू थीटा को ये लिखेंगे टू टेन थीटा ओवर वन माइनस टेन स्केयर थीटा। तो टेन 45 की वैल्यू होती है वो वन होती है, तो इसको हम अभी इसी तरह लिखेंगे, या हम टेन 45 की वैल्यू पुट कर लेते हैं टेन थीटा इंटू टेन थीटा प्लस वन। टेन 45 वन होता है ओवर वन माइनस टेन थीटा इंटू वन। टेन 45 होता है वन, यहाँ पे वन आएगा। तो राइट साइड पे, राइट साइड पे आ जाएगा टू इंटू वन ओवर टेन टू थीटा का फार्मूला टू टेन थीटा ओवर वन माइनस टेन स्केयर थीटा। अब ये वन माइनस टेन स्केयर थीटा जो है न्यूमिरेटर में चले जाएगा, तो दिस बिकम्स लेफ्ट साइड को हम मल्टीप्लाई करते हैं टेन थीटा को, तो टेन स्केयर थीटा प्लस टेन थीटा ओवर वन माइनस टेन थीटा राइट पे आ जाएगा टू इंटू वन माइनस टेन स्केयर थीटा ओवर टू टेन थीटा। ये टू कैंसिल आउट हो जाता है, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा टेन
स्क्वेयर थीटा प्लस टेन थीटा ओवर वन माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा ओवर टेन थीटा। नो क्रॉस मल्टीप्लाइंग, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको एक्सप्रेस करना है। तो टेन थीटा जो है ये टेन स्क्वेयर थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वन माइनस टेन थीटा इंटू वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा। लेफ्ट साइड विल बिकम टेन क्यूब थीटा, टेन क्यूब थीटा प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। राइट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट वन माइनस टेन थीटा माइनस टेन थीटा वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा माइनस टेन थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा। फ्रॉम बोथ साइड टेन क्यूब थीटा विल बी कैंसल आउट, बाकी को हम कर लेंगे रीअरेंज। टेन स्क्वेयर थीटा प्लस टेन स्क्वेयर थीटा प्लस टेन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो फाइनली वी गेट टू टेन स्क्वेयर थीटा प्लस टेन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन टेन थीटा। हमने क्या किया है, इसको एक्सपेंड किया है, टेन थीटा से मल्टीप्लाई किया है और कॉट टू थीटा को वन ओवर टू टेन थीटा लिख के टू टेन टू थीटा का फार्मूला यूज किया और इसको सिंप्लीफाई किया है। तो सिंप्लीफाई करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से टेन थीटा में। आप देख रहे हैं टेन थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। नेक्स्ट नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और एंगल्स फाइंड करने हैं और इंटरवल है 0 टू 90। अब हम इसको सपोज कर लेते हैं, इक्वेशन इज दिस, लेट tan theta is equal to y. तो दिस इक्वेशन बिकम, ये इक्वेशन फिर बन जाएगी 2y square plus y minus 1 is equal to 0. Factorizing 2y square plus 2y minus 1 is equal to 0. 2y common, y plus 1 minus 1 y plus 1 is equal to 0. So from here y plus 1 into 2y minus 1 is equal to 0. Now we get two values of y. 2y minus 1 is equal to 0 or y plus 1 is equal to 0. So, यहां से y is equal to 1 over 2 आ जाएगा। तो एंगल फाइंड करते हैं, y जो है हमने सपोज किया है y को tan थीटा, तो रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे तो दिस विल बिकम tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 2। अब हमने डिग्री मोड पे कैलकुलेटर से यहाँ पे एंगल डिग्री में फाइंड करेंगे, थीटा इज इक्वल टू बेसिक एंगल आ जाएगा tan इनवर्स 1 ओवर 2, कैलकुलेट करेंगे तो वही गेट थीटा इज इक्वल टू, ये बेसिक एंगल है 26.565। तो अदर एंगल जो है वो भी हम ट्राई करेंगे, अदर एंगल देखते हैं। यहाँ इस स्केच से ए एस टी सी क्लियरली टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव टेन थीटा
फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे इंटरवल से एक्सीड कर जाएगा तो सो ओनली द आंसर इज इन दिस क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में एंगल नहीं आएगा। तो सो हमारे पास एंगल जो है वो यही आया 26.565, बट वी विल राइट द एंगल फाइनल आंसर इन करेक्ट वन डेसिमल प्लेस। तो सो थीटा विल बी फाइनल आंसर विल बी 26.6 डिग्री करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस। नाउ एक और वैल्यू है वाई की, तो यहां से वाई इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। अब टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन, बेसिक एंगल फाइंड करेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन, नेगेटिव साइन को आपने इग्नोर कर देना है। तो वी गेट थीटा इज इक्वल टू, या ये देखें ये करने की जरूरत ही नहीं है, इधर से आप देख लें टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होती है, टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव जो होती है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी हमारा एंगल नहीं आएगा क्योंकि इंटरवल इज 0 टू 90 डिग्री, इंटरवल इज गिवन 0 टू 90 डिग्री। तो सो ये हमारे पास एंगल जो है बोथ एंगल्स एंड सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आर नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस बिकॉज द इंटरवल इज गिवन फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री। So only the answer is 26.6 degree correct to one decimal place.